Good morning. Hello? Hello? Hello, assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. MashaAllah, aapka program bahut acha hai. Main bade shauk se dekhti hu. Thank you. So, maine डॉक्टर साहब से मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं अर्ली 40 हूँ, तो अभी डायग्नोज हुआ है कि मुझे टाइप 2 डायबिटी है जी. तो मुझे ये पूछना था कि मतलब इसके लिए कौन से फ्रूट जो है ना वो चूज करने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे फ्रूट है उनमें शुगर बहुत ज्यादा है, और कितनी मतलब अमाउंट खानी चाहिए, ये जी. मेरा सवाल था. और दूसरा यह कि अभी समर स्टार्ट हो गया, तो इसमें डायबिटी वाले बंदे को पानी का इंटेक कितना करना चाहिए? ओके ओके, बस मेरे दो क्वेश्चन है, थैंक यू. चले तो ये कॉल्स अभी हम लेते, एक दो कॉल्स ले लेते हैं और फिर आप उसका जवाब दे सकते हैं. विल गो ऑन टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट कॉलर. या हेलो. हेलो यार, अस्सलाम वालेकुम. मैं आदर सैयद माचो से बात कर रहा हूं. वालेकुम सलाम सैयद साहब जी. आज आपने जो केस दिखाया है उनका डायबिटिक का, उसमें मैं इस तरह से माजरत के साथ मोहतरम से अर्ज करूंगा कि शीशा दिखाया तो बुरा मान गए. डॉक्टर साहब से मुझे पूछना यह है कि ये जो शीशा पीना इस स्टेट में है जो उनका है, ये क्या हेल्थ का बाइस है? You're a very close observant, Sayyid Saab. We can really, we appreciate that. दूसरा सवाल आपके न्यूट्रिशन जो है, डाइटिशियन जो है, मतलब मैं उनसे पूछना ये है. बल्देश उनका नाम है. कि क्या फलों की रंगत और सब्जियों की रंगत भी इंसान के मिजाज पे असर डालती है? शुक्रिया, खुदा हाफिज़. अच्छा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. और आपका क्वेश्चन अभी हम इसका जवाब देंगे और हम तीसरी कॉल भी ले लेते हैं. जी फ्रूट. हेलो, गुड मॉर्निंग. हेलो जी. हाँ यास्मीन जी. जी हाँ, सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. हाँ, मैं मधु भाई शाह बोल रहा हूँ. जी मधु भाई, मैं हैरो से नमस्कार. हेलो. हाँ जी, बात करें. हाँ, मेरे पेट में बहुत ज्यादा पेट बड़ा हो गया है जी. उसके लिए मैं वैसे एक्सरसाइज वगैरह सब करता हूँ जी, और योगा भी करता हूँ. हाँ, तो उसके लिए और क्या सरल उपाय है कि थोड़ा मेरा पेट कम हो जाए? ओके, चलें ठीक है. इसका भी जवाब आपका मिल जाएगा अभी. थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल जी. तो मेरा ख्याल है अब हम कॉल्स चले, हम अभी कॉल्स नहीं लेते क्योंकि पहले इनका सारों का सवालों का जवाब दे दें. पहले आपसे पूछा था फ्रूट्स, तो आप बताएंगे शीशे का बताइए आप. वो जी बिल्कुल, शीशा जो सैयद साहब ने कहा. जी सैयद साहब, थैंक यू. अभी हमने इस पे बात करनी थी क्योंकि मौका नहीं मिला. तो ये आजकल बड़ा फैशनेबल है, वो रंग बिरंगे जनाब शीशे भी कई रंगों के हैं जी, कई फ्लेवर्स तो कई फ्लेवर्स के हैं जी. तो वो फिर क्या है कि ये लोग समझते हैं कि चलो एक वो सोशल गैदरिंग के लिए या एक मीटिंग के लिए वो घुमा देते हैं. ये मेरे ख्याल अरब कंट्रीज से शायद ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं वो लोग, और हमारे यहाँ लंदन में भी बहुत ऐसी जगहें बन गई हैं. एजवेयर रोड पे आ जाएं, शीशा मिलेगा आपको. और स्पेन में या बाकी जो हॉलीडे डेस्टिनेशंस हैं, वो आई थिंक ये इन लोगों को अपने बिजनेस के लिए ये एक कलरफुल सी एक वो चीज़ समझते हैं, लेकिन हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो बिल्कुल रेकमेंडेड नहीं है. इसमें उसी तरह का नुकसान है जिस तरह के सिगरेट से या सिगार से या किसी और चीज़ से है. तो एक पेशेंट मुझे हमेशा याद आ जाते हैं, वो कहते हैं जी मैं सिगरेट मैंने छोड़ दी है, तो अब क्या, अब मैं सिगार पीता हूँ. तो ये ऐसे जो लोग होते हैं ना जो बहाने तलाश करते हैं, वो कहते हैं अब मैं शीशा पीता हूँ, तो सिगरेट तो छोड़ दी, सिगरेट नुकसान पहुँचाती है. तो ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सिगरेट ही नहीं बल्कि तंबाकू से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं. और फिर आजकल देखें, आजकल वो ई सिगरेट्स का ज़माना है, और फिर निकोरेट्स और इस तरह की जो प्रोडक्ट्स हैं उनका ज़माना है. तो जो लोग छोड़ना चाहते हैं स्मोकिंग, वो फिर इस तरह उनको हेल्प है. और ये जो ई सिगरेट है ये भी एक फैशन ही बनता जा रहा है. वो भी क्या लोग कहते हैं अच्छा वो एक स्टाइल से पीते हैं उसको. तो ये स्टाइल के पीछे है दुनिया, और अपनी हेल्थ के पीछे नहीं है. मैं बिल्कुल ये सारे व्यूअर्स को ये बात क्लियर कर दें कि शीशा इज नॉट गुड फॉर हेल्थ. इनफैक्ट आपने एक दफा बताया था कि कितना उससे ज्यादा हार्मफुल है. उससे उसके जो निकोटीन का कंटेंट है वो एक्चुअली बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है. वो लगता है कि डाइल्यूट होके आ रहा है, बट एक्चुअली ये बात ऐसे नहीं है जी. तो उसकी जो बैड इफेक्ट्स हैं निकोटीन के, वो तो है ही है, हमारी एंडोथीलियम पे है, और जो प्लाक्स बनते हैं उसको वो डिस्टेबलाइज करते हैं, फिर हार्ट अटैक्स का बायस बनते हैं.
तो उसके बेशुमार जो नुकसानात हैं जी। And the sad fact is that our younger generation, they are hooked on it. I know so many youngsters who are actually, they just have gatherings and they go for shisha or evenings and all that. You know, I mean, it's really so common now. अच्छा तो ये तो आपने बता दिया और शीशे का हम अपने और भी अगर जो भी लोग देख रहे हैं और जो शीशा लेते हैं प्लीज़ आप ज़रा इनकी एडवाइस पे डॉक्टर नबील की एडवाइस पे गौर करें और अच्छा अब जो आपसे जो है बल्दीश जो वो बता कह रही थी कि डायबिटिक हो गई हैं और फ्रूट्स जो है वो कितना खाएँ और गर्मियों में उन्होंने पूछा था बेसिकली फ्रूट्स की बात अगर आपको डायबिटीज है तो आप ज़रूरी है कि फ्रूट खाना इज इम्पोर्टेंट डोंट अवॉइड फ्रूट या फ्रूट में मीठा होता है लेकिन फ्रूट जो मीठा होता है वो फाइबर के साथ मिलता है सो अगर आप एप्पल ले लें या बनाना वगैरह ले लें यू गेटिंग लॉट ऑफ फाइबर एज वेल एज नेचुरल शुगर सिर्फ ध्यान रखना है कि आप बहुत ज़्यादा फ्रूट एक साथ नहीं खा रहे बिकॉज आपकी शुगर फिर थोड़ी सी बढ़ जाएगी देर विल बी फाइबर एज वेल लेकिन फ्रूट जो है यू डोंट नीड टू रिस्ट्रिक्ट इट लेकिन उसकी स्पेसिंग थोड़ी सी रखें और दूसरी बात गर्मियों में फ्रूट जो मिलते हैं जैसे मेलन है या जो समर फ्रूट्स होते हैं या द प्रॉब्लम इज जो मैंगोज है जो ट्रॉपिकल फ्रूट्स है जैसे पाइन एप्पल मैंगोज वगैरह उनमें मिठास ज़्यादा होती है सो देर इज मोर नेचुरल शुगर उसका मतलब कहने का कि जब अगर आपको डायबिटीज़ आप वो फ्रूट खाएंगे आपकी शुगर थोड़ी सी बढ़ सकती है लेकिन नॉट एवरीबडी हैज़ दैट सेम इफेक्ट वन डायबिटिक डजंट रिएक्ट द सेम वे एज अनदर डायबिटिक सो आप अपने आप देख सकते हैं कि मैंगो खाने से क्या आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है या नहीं थोड़ी सी शायद बढ़ेगी लेकिन बिकॉज ऑफ द फाइबर इट विल कम बैक डाउन ओके एक मैंगो खाएं दो खाएं कितने खा सकते हैं नहीं नहीं आई वुड एक से ज़्यादा मैं कहूँगी एक साथ ना खाएं ओके और अगर कोई भी फ्रूट की बात हो रही है तो जितनी वैरायटी खाएंगे डोंट कॉन्सेंट्रेट ऑन जस्ट वन फ्रूट बिकॉज हर एक फ्रूट से आपको कुछ डिफरेंट चीज़ें मिल रही हैं सो इट्स इम्पोर्टेंट टू गेट द वैरायटी ऑफ फूड आई थिंक वही बात मिस्टर साहिद ने बोली थी कि रंग बिरंगे जो सो यस वेरी इम्पोर्टेंट बिकॉज जो रंग होता है जैसे लाइकोपीन विच इज रेड पिगमेंट बीटा कैरोटीन जो ऑरेंज पिगमेंट होती है द रंगों के साथ जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं उसका मतलब उस चीज़ में वो बहुत चीज़ ज़्यादा है इसलिए टमाटोज वगैरह सो द मोर कलरफुल आपका सैलड या आपकी प्लेट द मोर न्यूट्रिशनल वैल्यू फ्रूट्स यू गेट एंड देयर सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स यू गेट फ्रॉम डिफरेंट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एक बात बहुत अच्छी आपने सारी कन्वर्सेशन में जो सब व्यूअर्स को पिक करनी चाहिए वो ये है कि हर डायबिटिक डिफरेंट है देखिए आपका बॉडी वेट डिफरेंट है आपके पैनक्रिया सबसे पहले सॉरी हम सोच रहे थे थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दें कि शुगर खाने से किसी एक प्रोग्राम में हम दिखाएंगे कि ये कैसे आपकी जो बॉडी में इंसुलिन और पैनक्रियास का क्या ताल्लुक है ये थोड़ा और डिटेल में करेंगे लेकिन सिर्फ जो जो फाइनल जो मैसेज इस सारी कन्वर्सेशन की कंक्लूजन है वो ये कि हर बंदे का रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा उसकी ओवरऑल हेल्थ डिफरेंट होगी उसके पैनक्रियास का फंक्शनिंग का लेवल डिफरेंट होगा इंसुलिन उसकी डिमांड डिफरेंट होगी उसकी क्वालिटी डिफरेंट होगी सो इसलिए हर एक का अपना अपना थोड़ा बहुत इंडिविजुअल देखना पड़ेगा हर एक को एक खाएंगे आम के दो खाएंगे अच्छा मेरे ख्याल पांच छह भी खाएं लेकिन गैप से देखेंगे मेरे जैसे आम की दो शौकीन है अच्छा आप बताइए पेट बड़ा जो बता ये ये इसलिए मैंने नोट किया था क्योंकि हमें याद पहली बात तो ये है जब पेट बढ़ता है तो एक दिन में नहीं बढ़ता तो यू हैव टू रिमेम्बर कि अगर आपका पेट बड़ा है तो इट्स बीन मैनी ईयर्स सो यू कॉन्ट एक्सपेक्ट इट टू कम डाउन विद इन अ डे और वीक इट्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क जैसे कहते हैं ना नो पेन नो गेन सो इसलिए यू नीड टू परसिवियर और सिर्फ एक्सरसाइज के साथ ही नहीं लेकिन योर डाइट नीड्स टू बी कंट्रोल्ड पोर्शन साइजेस नीड टू बी स्मॉलर एक्सरसाइज भी अगर करते हैं सो डोंट जस्ट डू स्टमक एक्सरसाइजेस ऑफकोर्स वो इम्पोर्टेंट है लेकिन कार्डियोवैस्कुलर एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट टू बर्न जो फैट अंदर इतने सालों से
is deposited, is deposited, that needs to be looked at. तो वो जो है जो core muscles को जो strong करने वाली exercises होती हैं, I think how effective are? No, they are very important, but it's no point doing core exercise जो आप दो तीन समोसे और बर्फी खा लें फिर, you know, the idea is you need to get the balance, calories कम करें और exercise ज़्यादा करें और वो exercise करें which are toning the stomach muscles. और थोड़ा सा पेट तो वैसे sign of prosperity भी होता है ऐसी. नहीं ज़्यादा नहीं नहीं चाहिए. ऐसी कमलाने वाली बात. नहीं वो तो हमारी पुरानी थी. अल्लाह खैर करे अगर cardiologist ऐसी बातें करने लगे. नहीं अब देखें तो अब नहीं बात ये एक light mood में बताने की कोशिश. I know. मैं भी light mood में कह रही हूँ कि अगर हम ये बातें ये आप मजाक से कह रहे हैं कहीं कोई serious ही ना ले ले हमारा viewer जो है. नहीं लेकिन definitely आप ये सही बात है कि पेट जो है मुझे नहीं इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी जी. इसके लिए सारा overall फिर इनको किसी से guidance ले लेनी चाहिए कि इनकी body structure के मुताबिक कौन सी exercises इनको suit करेंगी. बिल्कुल. तो ये फिर थोड़ी सी guidance क्योंकि exercises भी जो है अगर आप बगैर किसी instructor के या बगैर किसी की guidance के करें तो कई बार लोगों के कमर में दर्द शुरू हो जाता है, कई बार लोअर बैक में और अपर बैक में, क्योंकि वो सही नहीं कर रहे होते और ब्रीदिंग इन एंड आउट किस पोजीशन पे करनी है वो भी आपको बता सकता है जो जो एक्सपर्ट हो. एक्चुअली बात यहाँ पर उन्होंने योगा मेंशन किया था. हाँ, कि वो योगा करते हैं. देखिए अगर योगा बेसिक योगा करते हैं इट्स वेरी गुड फॉर पोस्चर एंड फॉर ब्रीदिंग बट नॉट फॉर वेट लॉस. जो कैलोरीज बर्न होती हैं वो सिर्फ जो एडवांस्ड योगा करते हैं डेफिनेटली यू बर्न अ लॉट ऑफ कैलोरीज. लेकिन बेसिक योगा से आपकी कैलोरीज नहीं बर्न होती. ऑल यू आर डूइंग इज इम्प्रूविंग आपकी ब्रीदिंग टेक्निक्स, इम्प्रूविंग योर पोस्चर. सो इट्स अ वेरी गुड फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज लेकिन इट शुडंट बी टेकन इंस्टेड ऑफ अ कार्डियोवैस्कुलर वर्कआउट. हाँ सही. अच्छा गोइंग बैक टू अनहार अली बिकॉज हमें तो मौका ही नहीं मिला हमारे हम फोन कॉल्स ले रहे थे. तो यू नो आई थिंक ही इज़ बीइंग क्वाइट स्ट्रिक्ट अबाउट द लाइफस्टाइल ही इज़ एक्चुअली फॉलोइंग एज वेल एज ही हैज़ मेड हिज होल फैमिली फॉलो हिज फुटस्टेप्स इन टर्म्स ऑफ बीइंग हेल्थी एंड हेल्थी फूड एंड एवरीथिंग. लेकिन थोड़ा बहुत जो मेरा ख्याल है कि वो होना चाहिए जहाँ पे आप यू कैन रियली हैव जॉय फ्रॉम योर फूड. यू नो आई मीन यू कांट जस्ट हैव वेरी प्लेन ब्लैंड फूड. ऑब्सेस नहीं होना चाहिए किसी भी एक कॉन्सेप्ट पे. लेकिन ये है कि अपनी हेल्थ का ओवरऑल ख्याल करना चाहिए. और ये ही इज अ वेरी गुड एग्जांपल. एक तो भी यंग है और एनर्जेटिक है, एक्सरसाइज कर रहे हैं. लेकिन दो घंटे की एक्सरसाइज बड़ा मुश्किल है. आई डोंट थिंक 2 आवर्स ही इज प्रोबब्ली डूइंग 2 आवर्स फुल एक्सरसाइज क्योंकि कई जिम्स में ऐसा है ना कि वहाँ सोना होता है, जकूजी होती है, तो दे थिंक दैट्स एक्सरसाइज व्हिच इज नॉट एक्सरसाइज. सो ही स्पेंड्स 2 आवर्स बिकॉज़ ही एंजॉयस 2 आवर्स. आई मीन वेट लूज करने के लिए वी नो फॉर अ फैक्ट वी नीड टू डू 45 मिनट्स ऑफ कार्डियोवास्कुलर एक्सरसाइज टू लूज वेट. So, agar some person is trying to lose weight, that should be the guideline. Okay. For some people, jo bilkul nahi karte, even 10 minutes is a good exercise. So, it depends, jaise Dr. Dekai, it depends on individuals. Jo log bahut exercise karte hain, they are doing too much. Okay? Jo log bilkul nahi karte, they are not doing enough. So, motivation is the key. Balance. American Heart Association ki, European, British, jitni bhi guidelines hain, wo itna hi recommend karti hain jo aap baat kar rahi hain. तो एक और हम कॉल ले लेते हैं. हेलो गुड मॉर्निंग. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम जी. मैं एक्सरसाइज की बात सुन रही थी टीवी पे तो मैं कहना चाहती हूँ कि मैं इतना मुझे शौक है गार्डनिंग का और मैं हर वक्त गार्डन में होती हूँ और मैं बहुत सी एक्सरसाइज मतलब कि मेरे लिहाज से ये इट्स अ वेरी गुड एक्सरसाइज क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गार्डनिंग करती हूँ. इसमें डिगिंग भी इन्वॉल्व है, इसमें और चीज़ें भी बहुत सी इन्वॉल्व हैं. तो आप मुझे बताइए आपकी अब फिजिक कैसी है, कैसी आप महसूस करती हैं, आप फिट महसूस करती हैं? मैं आपको अच्छी तरह सुन नहीं सकती लेकिन मुझे थोड़ा सा आइडिया हो गया है जो आपने सवाल पूछा है कि मेरी फिटनेस जो है ना गार्डनिंग करने से बहुत ज्यादा अच्छी है रहती है और मैं हर वक्त ऊपर नीचे काम करती रहती हूँ और आई एम नॉट सिटिंग डाउन ऑल द टाइम. जो एक्सरसाइज है वो कोऑर्डिनेटेड है, उसमें आप इंडिविजुअल मसल्स को फोकस करके करते हैं. एक्सर्शन तो है चलना फिरना काम करना सारा दिन, हम भी हॉस्पिटल में दौड़ते फिरते रहते हैं, वो एक्सरसाइज में काउंट नहीं होना चाहिए. अच्छा तो एक्सरसाइज तो वो है जो आप रेगुलर फोकस्ड जो आप
मसल एब्डोमिनल मसल की बात हो रही है या थाई मसल, तो इस तो देखें ना वो थोड़ा सा फ़र्क है, लेकिन फिजिकली एक्टिव होना, अपने आप को एग्जर्ट करना बहुत अच्छी बात है. Yeah. And actually gardening is a very good type of exercise, especially digging vagera, because you're using all the muscles. Lekin aapne pucha kitni karni chahiye, it depends on individuals. Lekin for any health benefits, you need to do 30 minutes in the whole day, minimum. Okay? So agar aap gardening and you're doing quite vigorous, then that's fine. Lekin agar aap holly holly weeds kar rahe hain, aise kar rahe hain, then that shouldn't really get counted. So mere khayal mein ka garden to bahut inhi ki tarah fit hoga, mujhe lagta hai. Thank you so much both of you. Hamare jo hain dono guests jo hain hamesha aate hain yahan pe. Thank you so much for joining us every fortnight. Dr. Nabeel, thank you, and Baldeesh, we'll see you in a fortnight. Yes. Okay. Aur aapko bhi hum milte hain ye choti si is break ke baad.